हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं स्टॉक के लिए। तो आज का जो लेवल था हमारा बीएफ यूटिलिटीज का, वो डाउन साइड का एक्टिवेट हुआ था, वो हिट भी हो गया। तो आई होप अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब बात करते हैं कल के, यानी कि 4 सितंबर 2023 के लिए जो स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए मार्केट में वॉल्यूम तो इंक्रीज हुई है, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए काफी कमजोर बना हुआ है। यहाँ पर इसको अगर हम ये ऑफ करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर कमजोर है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बॉडी नहीं बनी है कैंडल की। और यहाँ पे देखिए अगर इस लेवल को आप नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नजर आ रहा है। अब अपनी ड्रॉइंग्स ऑन करेंगे तो ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है। मार्केट इस लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट दे चुकी है। और 1 आवर के चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ पे हमें एक डोजी भी देखने को मिल रहा है, साथ के साथ एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये वाली लाइन ब्लैक लाइन और जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये वाली लाइन हमें सपोर्ट दे रही है, और ये वाली लाइन हमें ट्रायंगल को फॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम चलेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट जो है इस ब्लैक वाली लाइन से कितना स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस ले रही है। तो अभी दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़े और इस ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। अगर इसको तोड़ देती है तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। 4519 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 4532 का। तो ये दो लेवल्स रहेंगे हमारे अपसाइड के टारगेट्स अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो। और इन केस अगर ये जो ब्लू वाली सपोर्ट लाइन ब्रेक कर देती है मार्केट तो 4476 फर्स्ट टारगेट और 4464 थर्ड सेकंड टारगेट रह सकता है। तो सबसे पहले आप ये जो ब्लू वाली लाइन है, सपोर्ट लाइन है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। डे के चार्ट पे आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगी, लेकिन डे के चार्ट पे आपके दो पॉइंट्स अगर आपको आप ऑब्जर्व कर पाए, एक तो यहाँ से आप लो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे लो ज्वाइन कर लीजिए 22 मई का, और उसके बाद आप यहाँ पे 23 अगस्त का, तो ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट लाइन है ये आपको मिल जाएगी। तो आवर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड मिल रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो डाउन ट्रेंड मिल रहा है, डोजी बना हुआ है। तो यहाँ से अपसाइड का या डाउन साइड का किसी भी साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आकर ट्रैप हो जाएगी। यहाँ पर आकर मार्केट ट्रैप हो जाएगी, यहाँ से मार्केट को बाहर की तरफ या फिर नीचे की तरफ एग्जिट लेना ही पड़ेगा। जिस भी साइड पे एग्जिट लेगी उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। नेक्स्ट जो स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है प्राज इंडस्ट्रीज। 599.10 का स्टॉक है ये, और इसमें भी सेम ये चीज हमें देखने को मिलेगी। डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डे के चार्ट पे देखिए, एक हमें बुलिश कैंडल देखने को मिली है और यहाँ पे देखिए एक अप मूव भी देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें। आप ये ट्राइंगल आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ से देखिए आप सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से सपोर्ट बनना शुरू हुआ है, उसके मार्केट बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है। और ऊपर की तरफ जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो ब्लैक लाइन है, सेम ये लेवल। और आज क्या हुआ है मार्केट देखिए, एक सपोर्ट लेवल बनाया मार्केट ने। ये हमारा लेवल है 595.75 का लेवल है। इस लेवल में मार्केट आज स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है। तो अभी मार्केट या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी हमारी ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन को, या फिर डाउन साइड पे जो सपोर्ट लाइन आ रही है हमारी ब्लैक वाली लाइन, इसको ब्रेक करेगी। तो अगर मार्केट ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करती है तो 603.75 हमारा टारगेट रह सकता है। इसके बाद और ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 106.75 का। तो ये दो लेवल्स मार्क कर लीजिए अपसाइड के लिए। और इनकेस अगर मार्केट ने ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये अगर ब्रेक कर देती है मार्केट तो हमें सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। 592.10 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 588.30 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो। अदरवाइज मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर जिगजैग करती है तो हमें मल्टीपल ट्रेड देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर मार्केट इस वाले लेवल तक आए तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं, और अगर इस लेवल तक आए तो हमें बाय साइड प्लान करने को मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हो रही है मार्केट, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड का मोमेंटम ले रही है, कौन सी वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है। तीन लेवल्स हमने डिसेसिव लेवल्स मार्क करे हमने, एक ये ब्लैक वाली रेजिस्टेंस लाइन मार्क करी हुई है, एक ये सपोर्ट लाइन ब्लैक वाली मार्क रखी है, और एक ये वाले सपोर्ट लाइन हमने मार्क करी है आवर्ली चार्ट पे आज के दिन के लिए। तो ये तीन लेवल्स हमारे को हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में, बाकी जो ग्रीन लाइन्स हैं वो हमारे टारगेट्स हैं। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, लेवल्स हमें काफ़ी गाइड कर सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।